नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। मोदी का नाम सुनते ही एयर इंडिया कर्मी को चप्पल से पीटा गया। शिवसेना के सांसद रविंद्र गायकवाड़ के एयर इंडिया के कर्मचारी को चप्पल से पीटने का मामला सामने आया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने इस घटना की निंदा की है, जबकि सांसद के खिलाफ 2 प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। एयरलाइंस ने कहा कि बुरा व्यवहार करने वाले यात्रियों को वह प्रतिबंधित सूची में डालने पर भी विचार कर रही है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में सांसद गायकवाड़ ने दिल्ली हवाई अड्डे पर कर्मचारी को चप्पल से पीटने की बात स्वीकार की, लेकिन अपने इस व्यवहार का बचाव भी किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारी ने बदतमीजी की थी, इसलिए मैंने उसे मारा। सांसद ने एक टीवी चैनल से कहा कि इस कर्मचारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत करने की धमकी दी थी, जिससे वह अपना आपा खो बैठे। नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसा कभी नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी इस तरह के शारीरिक हमले को प्रोत्साहन नहीं देगी। मंत्रालय में राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने ट्वीट कर कहा कि हमारे एविएशन नेटवर्क में हिंसा और उड्डयन व्यवहार दुखद है। इस तरह के हर मामले की जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई होगी। घटना दिल्ली की इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की है। गायकवाड़ उड़ान संख्या AI-852 से गुरुवार सुबह पुणे से दिल्ली आए थे। सरकारी विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया ने एक बयान जारी कर बताया कि गायकवाड़ के पास बिजनेस क्लास का ओपन टिकट था, लेकिन विमान में बिजनेस क्लास न होने के कारण उन्होंने इकोनॉमी क्लास में यात्रा करनी पड़ी। इसे नाराज होकर उन्होंने दिल्ली में लैंडिंग के बाद विमान से उतरने से मना कर दिया। दिल्ली हवाई अड्डे के उप महाप्रबंधक हरेंद्र सिंह ने इस मामले में अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें कहा गया कि उन्होंने स्वयं कुछ अन्य अधिकारियों के साथ काफी समझा बुझा कर शिवसेना सांसद को विमान से उतरने के लिए राजी किया और विमान के एग्जिट गेट तक ले गए। इस दौरान एयरलाइंस के कर्मचारी सुकुमार रमन ने गायकवाड़ से कहा कि वे जनप्रतिनिधि हैं और उन्हें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस पर सांसद ने अपनी चप्पल उतार कर उन्हें पीटना शुरू कर दिया और धक्का दे दिया। इस बीच अन्य अधिकारियों ने गायकवाड़ को पकड़ लिया और दोबारा विमान के अंदर ले जाकर उन्हें समझाया। गायकवाड़ ने इस मामले के तूल पकड़ने के बाद लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और राजू को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि कर्मचारी ने उनसे बेअदबी से बात की थी। साथ ही उन्होंने एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर एयरलाइंस की दयनीय हालत के कारणों की जांच और इसके लिए जिम्मेदारी तय करने की भी मांग की है। और आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पंजाब के महाधिवक्ता बोले कि सिद्धू टीवी पर अपना शो जारी रख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शरीफ को पाकिस्तान दिवस की बधाई दी। संदिग्ध अलकायदा हमले में यमन के उपग्रह मंत्री के बेटे की मौत। भूमध्य सागर में नाव डूबने से 250 लोगों के मारे जाने की आशंका। मुंबई में महिला डॉक्टर की पिटाई के आरोप में 3 महिलाएं गिरफ्तार।